अगली खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आईटीआई सोलन में जिला स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं जिला में 80 स्थानों पर इसको लेकर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल्य मौजूद रहे। उन्होंने उपस्थित बच्चों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विभिन्न योग क्रियाएं की। स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल्य ने कहा कि सोलन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिला में जिला और उपमंडल स्तर पर मनाया गया है। इस वर्ष योग दिवस का विषय महिला सशक्तिकरण रखा गया है। आईटीआई सोलन में सुबह 7 बजे से 8 बजे तक विभिन्न योग क्रियाएं एवं व्यायाम करके सभी को स्वस्थ रहने का मंत्र प्रदान किया गया। मेरा मानना है कि हमारे जो कल का भविष्य है, हमारे प्यारे बच्चे, वो इस प्रकार के पद्धति को जो हमारे ऋषियों मनुष्यों और तपस्वियों की विरासत है, जिसे मैं समझता हूँ हमें संजो के रखना चाहिए और अपने जीवन का भाग बनाना चाहिए, एक कार्यक्रम का बहुत अहम हिस्सा बनाने की ज़रूरत है। जब हमारे बच्चे योग के, मैं समझता हूँ, इस आचरण में आ जाएंगे तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में होंगे वो अच्छा ही करेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ योग एक न केवल मानसिक रूप से और आंतरिक दृष्टि के आंतरिक शक्ति के रूप में हमको एक अच्छे मानव बनाता है, बल्कि पूरे समाज के लिए भी हम एक्सेप्टेबल होते हैं और किसी भी स्थिति को सामना करने के लिए एक सशक्त मन की जरूरत होती है। और मेरा अपना मानना है, हमारे तो आर्म फोर्सेज में इसको एज एसेंशियल सब्जेक्ट ले लिया गया है और मैं जानता हूँ कि शायद हमारे भी स्कूलों में इसे सब्जेक्ट बनाया गया है। इसे सचमुच में आज ज़रूरत है और ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपने मानव कल्याण की ओर, एक दूसरे की समझ की ओर और एक दूसरे के साथ, मैं समझता हूँ जैसा वातावरण आप कभी कभी देख लेते हैं, बहुत बहुत सॉर्ट ऑफ दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण भी पैदा हो जाते हैं, उन सब में सशक्त वही रहेगा जो योग करेगा।